ये सारी बातें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कई सारे टीचर्स के साथ में भी सुनी होगी और मैंने भी आपको कई बार ये चीज बोली होगी बट आज मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवाने वाली हूँ वो एक लेटेस्ट क्वेश्चन या कि 2021 के एग्जाम में जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ जैसे कि कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था मैथमेटिक्स का रीजनिंग का आज ही वैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाली हूँ किस तरीके से नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं तो एक लेटेस्ट टॉपिक है जो कि है थिंकिंग से रिलेटेड तो कैसा क्वेश्चन आया था या और क्या इसका कंटेंट है कैसी थ्योरी आपको पढ़नी है वो इस वीडियो में होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जरूर ध्यान से इस टॉपिक को नोट करिएगा बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चन बन सकते हैं फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट है जो इस चैनल पर आप लोगों के लिए आने वाला है विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर तो आज का क्वेश्चन फॉर द डे लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों के सामने है आप लोगों को यहाँ पर थिंकिंग हार्ड गिवन थी उनको उनके कॉन्सेप्ट से या उनके आइडिया से आपको मैच कॉलम करके लगाना था तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को व्हाइट हैट रेड हैट ब्लैक हैट ग्रीन हैट ये सारी चीजें थी और सिर्फ ये एक ही शिफ्ट नहीं मल्टीपल शिफ्ट के अंदर आप लोगों का ये सवाल पूछा गया था तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर हुआ ही मल्टीपल शिफ्ट में आए अलग अलग तरीके से पूछा गया है अब सबसे पहली बात तो थिंकिंग हैट का क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका थोड़ा बेसिक्स जानना जरूरी है सबसे पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट है क्या कहाँ से आया था क्यों इसे बनाया गया है या क्या रेलिवेंस है इसका हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू थिंकिंग कैपेसिटी कॉग्निशन से रिलेटेड है ये आप लोगों के माइंड मैपिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है किसी भी एक चीज को या किसी भी एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं या कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं इसका एक पूरा का पूरा टोपोलॉजी सेट करने वाला जो पैटर्न है वो इस थिंकिंग हैट के अंदर आता है इसे बनाया था ऑसबॉन ने ठीक है जी ऑस बॉन्ड और साथ ही साथ आपको याद रखना है बोनो ये दो ऐसे थियोरिस्ट थे जिन्होंने मिलकर थिंकिंग को प्रपोज किया था और बेसिकली उन्होंने बताई थी कि अलग अलग हैट्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब आप सब लोग जानते हो जिसमें कुछ लोग बैठते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं न्यू आइडियाज आप लोगों के सामने जनरेट होते हैं न्यूम्रस ऑफ न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं थिंकिंग हैट्स की बात करूँ तो थिंकिंग हैट्स में भी ऐसे ही है आपके पास में कोई एक टॉपिक होता है उस टॉपिक को आप उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे बातें सोचते हो कहाँ से वो रिलेट होता है कैसे उसका डेटा आता है

डेटा रेफर करूंगी डेटा रेफर करने के बाद में मैं उसकी एक आइडियोलॉजी तैयार करूंगी फिर मैं उसके बारे में एक साथ आपको हो सकते हैं या उसको कैसे और पॉजिटिव पैरामीटर you know, में, में जज कर सकते हैं ये सारी चीजें होंगी एंड फाइनली हम उसको जनरलाइज करेंगे अदर स्टूडेंट्स इज वेल या फिर आगे के तौर पर अगर किसी और प्रेजेंट करना है किसी और को समझाना है तो क्या चीजें हमारे पास में होती है तो ये सारी चीजें होती है जो अलग अलग कैप्स के अंदर हम लोगों को गिवन होती है हैट्स के अंदर हमको गिवन होती है तो हमारे पास में टोटल जो कितनी हैट्स होती है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है इसका आप ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल नेट पे ज्वाइन कर लीजिएगा तो इस संडे को सारी पीडीएफ आपके सामने आ जाएंगी हमारे पास में टोटल छह हैट होती है जिसमें होता है कलर ब्लू हैट व्हाइट हैट रेड हैट ब्लैक हैट येलो हैट हैट एंड ग्रीन तो ये जो हैट सिस्टम है इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम व्हाइट हैट की बात करते हैं जिसमें आती है फैक्ट्स की चीजें ये सारी चीजें हैं फैक्ट ओरिएंटेड तो जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा की बात करते हैं तो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइट से तो बेसिकली कोई न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव वे हो हमको क्या पता है क्या हमारे पास में फैक्ट है क्या इन्फॉर्मेशन है हमें किसी चीज के बारे में ये सारी चीजें सबसे पहले हमारे जहन में आती है उसके बाद में हम जो है हम आते हैं किसके ऊपर बेनिफिट के ऊपर यानी कि येलो हैट के ऊपर हम लोग आते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स है क्या क्या इसके बारे में हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं लॉजिकल रीजन लगा सकते हैं तो बेसिकली येलो हैट जो है वो सनशाइन हैट भी कही जाती है या जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस पॉइंट प्रोज बेनिफिट हम लोग किसी चीज के देखते हैं इसके बाद में हम लोग देखते हैं उस चीज के नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि ब्लैक ब्लैक हैट ब्लाक जो है वो कॉशन के लिए जाना जाता है यानी का सिंबल रेड नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स नहीं चल रहे हैं रेड नहीं ब्लैक है जो कॉशन के लिए जाना जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज को लेकर हम लोगों की कुछ ना कुछ उसके अगर प्रोज है तो कॉन्स भी होते हैं तो वीकनेसेस डिफिकल्टीज ये सारी की सारी चीजें जो है ये यहाँ पर आपकी ब्लैक हैट रिप्रेजेंट करती है देन हम ये सारी चीजों को समझने के लिए या इसे और फर्दर तरीके से इन्फर करने के लिए हम लोग ग्रीन हैट पे आते हैं जिसमें हम बात करते हैं किसकी क्रिएटिविटी की तो ग्रीन हैट किसके लिए आती है जी क्रिएटिविटी के लिए आती है आइडियाज हो गए ऑल्टरनेटिव हो गए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेसिकली ब्लैक हैट के सोल्यूशन के तौर पर हम ग्रीन हैट को लेके आते हैं देन वी कम अबाउट ब्लू हैट हैट ब्लू जो है वो शो करती है आप लोगों की प्रोसेस को यही चीज है जो आपकी मेटा कॉग्निशन को भी शो करती है किसी मेटाकॉग्निशन थिंकिंग थिंकिंग अबाउट को भी यही हैट है जो आपकी शो करती है कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए किसी भी चीज के बारे में कैसे सोचना चाहिए क्योंकि देखो अभी तक हमने उसे काफी अच्छे से एनालाइज कर लिया है यानी कि प्रोज भी देख लिए कॉन्स भी देख लिए उसका फैक्ट भी हमने देख लिया है हमने ये भी देख लिया है कि और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कैसे हम उसकी प्रोज और उसके कॉन्स को और प्रोज को बढ़ा सकते हैं कॉन्स को कम कर सकते हैं तो अब हम इसकी प्रोसेस लगाते हैं कि कैसे हम इसे सुधारा जा सकता है एंड देन फाइनली जो भी हमारी गट फीलिंग होती है जो भी हमारी फीलिंग्स होते हैं इंट्यूशंस होते हैं इनकी मदद से हम लोग किसी भी एक टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं या मैं कह सकती हूँ किसी भी एक छोटे आइडिया से एक कॉन्क्रीट आइडिया तक आप पहुँच सकते हो यही काम होता है ब्रेन का और इसी के बिहाफ पर एडवर्ड और आपके सॉरी uh, आपके एडवर्ड बोनो और आपके ऑसबॉर्न इन दोनों ने मिलकर क्या किया था इस थिंकिंग हैड का कॉन्सेप्ट दिया था कि हाउ टू कंसेप्चुलाइज अबाउट थिंकिंग हाउ टू थिंक अबाउट थिंकिंग तो वही चीज़ है जो यहाँ पर आती है सो तो आपको कलर याद रखने और कलर से असोसिएटेड जो की है वो यहां पर मैंने आपके लिए लगा दिए ये आपको याद रखने ठीक है जी तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आंसर आप कर सकते हो व्हाइट हैट था रेड हैट था ब्लैक हैट था ग्रीन हैट था 2021 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो नाव जैसे कि कॉशन की आ गया है तो सब लोग जानते हैं कि ब्लैक हेड से एसोसिएटेड होगा यानी कि सी का होना चाहिए वन और आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का वन है तो आंसर तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा बट आगे देखो यहाँ पर फैक्ट्स का की गिवन है तो फैक्ट्स का जो की है वो आपके व्हाइट के लिए आ जाता है एंड uh, प्रोवोकेशन हो गए ऑल्टरनेटिव हो गए क्रिएटिविटी की आ गया क्रिएटिविटी का तो ग्रीन हैट हो जाएगा इंट्यूशन या फिर इमोशंस की बात आ गई तो ऑब्वियस बात है कि रेड हैट आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों को मैच करना था और सॉल्व करना था आप लोगों से और जो इसके टाइप के क्वेश्चन आए हैं जैसे आप लोगों से ये दे दिया गया था कि कौन कौन सी कलर की हैट होती है तो उसमें आपको एलिमिनेट करना था जैसे कि ब्राउन हैट नहीं होती है हमारे पास या कोई भी वॉयलेट हैट ये सब नहीं होता है हमारे पास में ग्रे हैट आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है पेपर वन को तो आपने आईसीटी पढ़ा होगा और आईसीटी में भी हैट सिस्टम होते हैं जिसको हम हैकर बोलते हैं वहां पर आपके पास में ग्रीन हैट होता है या फिर ग्रे हैट होता है यहाँ नहीं होता है तो इस इसपे कंफ्यूज नहीं होना है थिंकिंग हैट टीचिंग एप्टीट्यूड का है हैकिंग हैट आईसीटी का कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा मैं आप आपको थिंकिंग हैट्स बता रही हूँ कि थिंकिंग हैट्स से कैसे क्वेश्चन आए थे ऑल दो आगे आने वाले क्वेश्चन फॉर द डे के अंदर मैं हैकिंग हैट्स भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी फिलहाल के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि ये नया टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा इस नए टॉपिक को याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक करा करो कमेंट करके जरूर बताते चला करो कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊ कल मैंने मैथमेटिक्स का एक अच्छा बड़ा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैथमेटिक क्वेश्चन साथ ही साथ उनके सोल्यूशन करके उनको समझाया भी था कि कैसे आप उनको आगे सोल्व कर सकते हो आगे आने वाले एग्जाम्स में तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी वीडियोज आपके बहुत काम आ रहे होंगे अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक नया फाउंडेशन कोर्स भी मैं लेके आने वाली हूँ जिससे भी आप सभी लोगों को काफी हेल्प होने वाली है तो जितने भी बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे आ, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम पे अभी हम ज्वाइन कर ले कि पेड बैच कब से स्टार्ट होगा तो वो सारी कहानी भी आप लोगों को टेलीग्राम पे पता लग जाएगी नेट जे आर एफ अदीति करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्वेश्चन फॉर द डे के लिए बाय बाय टेक केयर